Hey everyone, I'm Mukesh. Today in this video, we are going to learn use of having. You're watching USC Spoken Classes. Here we learn English through Hindi. So without wasting any time, let's get started today's lesson. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं हैविंग के अलग अलग यूजेज की। एक्चुअली हैविंग के जो यूजेज हैं वो अलग अलग डिफरेंट होते हैं, बट इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हैविंग के दो यूजेज और वो कौन कौन से यूजेज हैं। और ये हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पर यूज करेंगे? जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो, होमवर्क बनाने के बाद मैं सोने गया, होमवर्क बनाने के बाद मैं सोने गया, तो कोई भी काम करने के बाद, जब भी कोई काम कंप्लीट होगा और उसके करने के बाद तुरंत बाद कोई दूसरा एक्शन हो, तो इस तरह का सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, होमवर्क बनाने के बाद यहाँ पर एक काम हुआ, कौन सा काम? होमवर्क बनाने का काम। तो होमवर्क बनाने का काम कंप्लीट हो चुका, उसके बाद मैं सोने गया, तो यहाँ पर दूसरा एक्शन क्या हुआ? सोने का। तो होमवर्क बनाया कौन? मैंने। और सोने कौन गया? मैं गया सोने के लिए। तो इसमें सब्जेक्ट एक ही है और सब्जेक्ट दो काम करता है, इसमें दो क्लॉज है। पहला एक्शन कंप्लीट करने के बाद वो दूसरा एक्शन करेगा। तो इस तरह का सिचुएशन हम लोग हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले राइट करेंगे हैविंग, हैविंग प्लस उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट। यदि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट राइट करना होगा। जैसे होमवर्क कंप्लीट करने के बाद, तो हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क, हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क, तो ये क्लाउज हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा राइट कर देंगे, उसके बाद दूसरा क्लाउज जो बच जाएगा उसको उस सेंटेंस को उसी टेंस में बना देंगे। जैसे कि मैं सोने गया, तो मैं सोने क्या बोला? आई वेंट टू बेड। यू कैन ऑल्सो से आई वेंट टू स्लीप। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क, आई वेंट टू बेड। इस तरह का सेंटेंस जो होता है फ्रेंड्स, उसमें ये याद रखिए, इसमें हमेशा दो क्लाउज होंगे। पहला एक्शन कंप्लीट होगा, उस एक्शन के कंप्लीट होने के बाद वो सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट कोई दूसरा काम करेगा। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको क्या ग्रामर में इसको क्या कहा जाता है? इसको ग्रामर में कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल इसको कहा जाता है और इसका यूज करते हैं। लेट मी गिव यू सम अनदर एग्जांपल। खाना खाने के बाद मैं खेलने गया, खाना खाने के बाद मैं खेलने गया। तो जनरली जो बिगिनर्स होते हैं स्टूडेंट, वो क्या इसको आफ्टर से भी बना लेते हैं, आफ्टर ईटिंग फूड आई वेंट टू प्ले, आफ्टर ईटिंग फूड आई वेंट टू प्ले। लेकिन हम लोगों को हैविंग का यूज करके, एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोगों को इंग्लिश बोलना, ताकि आपका इंग्लिश अच्छा हो सके। तो इसको हम बोलेंगे किस तरह से? हैविंग हैड फूड आई वेंट टू प्ले, हैविंग हैड फूड आई वेंट टू प्ले। खाना खाने के बाद मैं खेलने गया, उसे हराने के बाद मैं अपने दोस्तों से मिला, उसे हराने के बाद, इसमें हराने वाला कौन? मैं। और मिलने वाला कौन? मैं। तो एक ही सब्जेक्ट है, दो काम कर रहा। पहले क्या किया उसने कि उसे हराने के बाद, सबसे पहले राइट करेंगे स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर का हैविंग, हैविंग राइट कर दिए, उसके बाद क्या है? वर्ब, वर्ब क्या है? हराना, हराना बोलते हैं, डिफीट, डिफीट का वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है डिफीटेड। हैविंग डिफीटेड किसको हरा के? उसे। यदि वो लड़का है तो हिम राइट कीजिए, यदि वो लड़की है तो हर राइट कीजिए। तो हैविंग डिफीटेड हिम मैं अपने दोस्तों से मिला, कॉमा राइट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लाउज है, मैं अपने दोस्तों से मिला, आई मेट टू माई फ्रेंड्स, आई मेट टू माई फ्रेंड्स। तो सेंटेंस हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो चुका है, हैविंग डिफीटेड हिम आई मेट टू माई फ्रेंड्स। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट करना, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस जो सिंपल पास्ट टेंस में होगा तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में उस सेंटेंस को बना देंगे जो भी टेंस में रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप के सेंटेंस में। सेकेंड टाइप के सेंटेंस जनरली यूज नहीं होते हैं, फिर भी हम लोगों को इसके नॉलेज के लिए ये जानना जरूरी है। पहले सेंटेंस में क्या था? एक ही सब्जेक्ट दो काम कर रहा था, लेकिन इस सेंटेंस में जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होंगे और दो अलग अलग काम करेंगे। जिस तरह से भैया के ऑफिस से आने के बाद, भैया के ऑफिस से आने के बाद मैं कोचिंग गया, भैया के ऑफिस से आने के बाद मैं कोचिंग गया। तो इस सेंटेंस में गौर कीजिएगा, ऑफिस से कौन आया? भैया। तो ऑफिस से आने का काम कौन किया? ब्रदर ने, यानी भाई ने किया। और कोचिंग कौन गया? कोचिंग मैं गया। तो इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है भाई और दूसरा सब्जेक्ट है मैं। जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से बनाना हो आपको, तो इसको
इसको बनाने के लिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। इसमें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के आगे सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट लगाने के बाद सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट आ जाता है, इसमें दो सब्जेक्ट, इसीलिए। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मेरा भाई, तो मेरा भाई को माई ब्रदर राइट कर दिए। उसके बाद क्या रहेंगे, हैविंग, तो हैविंग का हैविंग राइट कर दिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, लौट, वापस आना, वापस आना को रिटर्न बोलते हैं या कम बैक बोलते हैं, जो भी आप यूज कर सकते हैं। तो रिटर्न, रिटर्न का वर्ब थ्री होता है रिटर्न्ड, तो इससे यहाँ सेंटेंस में क्या हो जाएगा, रिटर्न्ड कहाँ से, ऑफिस से, फ्रॉम ऑफिस। तो सेंटेंस ये पहला क्लॉज हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, माई ब्रदर हैविंग रिटर्न्ड फ्रॉम ऑफिस। उसके बाद कॉमा राइट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस क्या, मैं कोचिंग गया, आई वेंट टू कोचिंग, आई वेंट टू कोचिंग, तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, मम्मी के खाना बनाने के बाद, मम्मी के खाना बनाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। तो इसमें खाना बनाने वाली कौन, माँ, और खाने वाला कौन, हम लोग, यहाँ दो सब्जेक्ट है और अलग अलग काम कर रहे हैं। तो सेंटेंस का स्टार्टिंग करेंगे माई मदर, क्योंकि सब्जेक्ट है माई मदर, क्या, खाना पकाने के बाद, हैविंग कुक्ड फूड, हैविंग कुक्ड फूड, माई मदर हैविंग कुक्ड फूड। उसके बाद कॉमा राइट करेंगे, हम लोगों ने खाना खाया, वी हैड फूड, वी हैड फूड। यू कैन ऑल्सो से वी एट फूड, वी टुक फूड, हैव ईट टेक, आप किसी तीन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं खाना खाने के लिए। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस राइट करके देता हूँ, आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में राइट करना। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक आई विल टेल यू। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।